छतरपुर जिले के विख्यात बागेश्वर धाम मंदिर परिसर में एक युवक अवैध कट्टा लिए घूम रहा था। जब लोगों को उस पर शक हुआ तो तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मंदिर परिसर से युवक को हिरासत में लेकर उसके पास मौजूद कट्टे को बरामद कर लिया। युवक के विरुद्ध बमीठा थाने में सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि दो दिन पूर्व बागेश्वर धाम मंदिर से बमीठा पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक मंदिर के परिक्रमा मार्ग में अवैध कट्टा लिए घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देकर युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि वह शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी का रहने वाला है। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक कट्टा भी मिला, जिसे जब्त कर लिया गया है। युवक के विरुद्ध धारा 25/27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये दो दिन पूर्व एक आरोपी को पकड़ा है, जो मूल से जिला शिवपुरी का रहने वाला है और इसको थाना बमीठा द्वारा 25/27 की कार्रवाई इसमें की गई है और बागेश्वर धाम परिसर में ये पाया गया था और मंदिर के कुछ लोगों ने शक होने पे पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने जाके इसको गिरफ्तार किया है और एक अवैध हथियार इसके पास से जब्त हुआ है। इसमें कार्रवाई की जा रही है। एक कारतूस था।